अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बकरा शो के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों हमारे पास जो हैं वो हम यहाँ पर पटेरी जो बकरियाँ हैं उनका आपको तारुफ करवाएंगे। हमारे पास इनके मालिक साथ हैं, हम उनसे इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? फरहान। अच्छा फरहान, आप कहाँ से हैं जी? आप हैं? अच्छा, ये आपके पास कौन सी बकरियाँ हैं? पटेरी नस्ल की। अच्छा पटेरी नस्ल की, पटेरी और बड्डी में कोई फ़र्क है या सेम है? सेम ही है। अच्छा आप यहाँ पर कितनी बकरियाँ लाए हैं? 12 दाने लाए हैं। अच्छा 12 दाने आप लाए हैं। अच्छा एक एक बकरी का हमें दीदार कर रहे हैं, वो हमें दिखाएं और उनकी कुछ खसूसियात बताएं हमें पटेरी नस्ल की। ये बड़ी बकरी है। अच्छा ये बड़ी बकरी है और इसके कान कितने हैं तकरीबन? अच्छा 24 इंच है इसके कान। अच्छा इनमें कितने इकसाम होते हैं हमें ये बताएं, पटेरी नस्ल में कितने इकसाम होते हैं? इसमें एक लस्सी होती है, एक रंग वाली होती है। अच्छा अच्छा है जो लस्सी जी होती है वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होती है। अच्छा बिल्कुल ऐसी होती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे टिके होने चाहिए। अच्छा टिके होने चाहिए। अच्छा उसको लस्सी कहते हैं? बिल्कुल ऐसा होगा ना जी जी, उसको लस्सी कहते हैं। अच्छा अच्छा और ये बड्डी है? अच्छा बड्डी और लस्सी में क्या फ़र्क है हमें थोड़ा सा बताएं। लस्सी जो है ना वो मेले में नहीं आ सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, वो और जो उसको टिक्के लाजमी होने चाहिए। अच्छा टिक्के होते हैं लस्सी में? होने चाहिए पीछे। अच्छा से अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक, पीछे से बिल्कुल साफ हो। अच्छा पीछे से बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ हो। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंगल से हो। अच्छा अच्छा, कान हो ना कभी ऐसा होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना फार्म टंडर मोहम्मद खान में? अच्छा अच्छा जी जी। अच्छा अच्छा 100 खान बकरियाँ हैं। अच्छा आप हमें ये बताएं कि सबसे अच्छी जो बकरी है आपके आपके पास यहाँ पर कौन सी है, सबसे जो अच्छी हो, मतलब दाम सबसे अच्छा हो, जो सबसे महंगी बकरी हो, यही है बकरी? अच्छा ये आपने कितने में खरीदी थी? ये हमारी। अच्छा आपने घर की है? बच्ची की खरीदी है। अच्छा अच्छा बच्ची की खरीदी। अच्छा अच्छा ये भी खरीदी है, ये 5 लाख की है। अच्छा ये 5 लाख की आपने खरीदी। दोस्तों ये देखें यहाँ पर ये जो बकरियाँ हैं, ये बकरी जो है वो ये 5 लाख में उन्होंने ख़रीदी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा ये 5 लाख में आपने बेची थी यहाँ? अच्छा बच्ची आपने खरीदी। ये छेला है। अच्छा ये आसान है? 7 लाख लग गए। अच्छा आपको 7 लाख इसके लगे हैं, आप नहीं दे रहे? नहीं। अच्छा दोस्तों आप ये देख रहे हैं 7 लाख इनको लगे हैं लेकिन ये आसान ये अपना नहीं दे रहे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्तलिफ जो हैं वो मतलब गोट्स आई हुई हैं और वहाँ पर भी आप देखें मुख्तलिफ जो हैं गोट्स वो आई हुई हैं। बहुत ही रश है इस फेस्टिवल में, आप देख सकते हैं बहुत सारी आई हुई हैं। और ये हमारे पास आप देखतल बकरी जो होती है जो मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं तो इसलिए उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बीतल बकरी यहाँ पर, दूसरी नाची बकरियाँ वो रही, मतलब मुख्तलिफ बकरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा ये आपने ये अभी 2 दांत है। अच्छा 2 दांत है अभी। अच्छा ये आपने घर की है या आपने कहीं से ली है? अच्छा आपने घर की है। दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा नस्ल यहाँ पर हमें मिल गया। सर हमें ये बताएं कि ये बड्डी बकरी है मतलब कितना दूध देती हैं? दूध 1 किलो 2 किलो देती है। अच्छा और ये हमें बताएं कि ये दूध अच्छी है या गोश्त के हिसाब से अच्छी है? अच्छा हुसन के हिसाब से अच्छी है माशा। अच्छा अच्छा ये दोनों पट हैं, ये भी अपने घर की हैं? अच्छा इस अच्छा इसकी कितनी कीमत है दोनों की? तकरीबन 4-5 लाख रुपये। अच्छा 4-5 लाख रुपये एक। अच्छा 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 अभी खीरी है। अच्छा अभी खीरी है। अच्छा 6 महीने की उम्र इसकी। अच्छा सान आपके पास एक ही था? अच्छा छोटा भी खड़ा है। अच्छा वो छोटा हमें शान दिखाएं ये रहा। अच्छा आप खड़े हो जाएं यहाँ पर। दोस्तों ये आप शान, ये दूसरा छोटा शान है आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शान है, ये भी अपने घर का ही है? अच्छा अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू।